बिस्मिल्लाहमान रहीम रूल्स वर्सेस डिस्क्रिशन की डिबेट को कंप्लीट करने के बाद हम एक और इशू डिस्कस करते हैं विच इज वेरी मच रेलिवेंट टू रूल्स यानी कि ये भी उसी आल दो ये डिबेट का पार्ट नहीं है लेकिन ये रूल बेस्ड पॉलिसी के इट इज वेरी क्लोज टू रूल बेस्ड पॉलिसी तो इसलिए इस टॉपिक को यहां डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी में क्रेडिबल नॉमिनल एंकर हो तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं अब आपने नॉमिनल एंकर को पहले कई लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि क्या होता है नॉमिनल एंकर मैं यहां दोबारा से उसको रिवाइज कर देता हूं जस्ट आपको याद आ जाए नॉमिनल एंकर से मुराद कोई भी नॉमिनल वेरिएबल है जैसे मनी सप्लाई है जैसे एक्सचेंज रेट है जैसे इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे इन्फ्लेशन का टारगेट है ये एक नॉमिनल वेरिएबल है जिसको सेंट्रल बैंक अचीव करने की कोशिश करता है उसके लिए पॉलिसी डिजाइन करता है उसको अचीव करने के लिए और ये वेरिएबल जो मॉनेटरी पॉलिसी का अल्टीमेट गोल है उससे क्लोजली लिंक्ड होना चाहिए तो इसको हम कहते हैं ये हमारा नॉमिनल एंकर है अब इसकी कई सूरतें हो सकती हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया अब क्रेडिबिलिटी क्या है क्रेडिबिलिटी यह है कि जो भी आपका नॉमिनल एंकर है यानी कि जिसको सेंट्रल बैंक अचीव करेगा उस यानी कि नॉमिनल एंकर तो एक वेरिएबल हो गया ना उसका जो टारगेट होगा जिसको सेंट्रल बैंक अचीव करने की कोशिश करेगा उसके लिए पॉलिसी डिजाइन करेगा और इंप्लीमेंट करेगा पब्लिक उस पर कितना ट्रस्ट करती है अगर पब्लिक के नजदीक ये ट्रस्ट वर्दी है कि सेंट्रल बैंक जो कह रहा है कि हम इतना इन्फ्लेशन करेंगे तो सेंट्रल बैंक सीरियस है और वो इतना इन्फ्लेशन उतना इन्फ्लेशन का टारगेट अचीव करेगा तो हम कहेंगे नॉमिनल एंकर क्रेडिबल है क्योंकि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं अब जो क्रेडिबल नॉमिनल एंकर होता है उसका बेनिफिट ये है पहला कि इट एक्ट्स लाइक अ बिहेवियर रूल यानी कि अगर आप नॉमिनल एंकर बना दें और वो भी क्रेडिबल हो तो इट इज जस्ट लाइक अ रूल यानी कि बिहेवियर के ऊपर वो एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर देगा सेंट्रल बैंक की तो वो एक रूल बेस्ड पॉलिसी इंप्लिसिटली बन जाएगी अब ये जो नॉमिनल एंकर होता है इससे भी टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम दूर हो जाता है अब हमने कहा था कि कि डिस्क्रिशन का प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है है टाइम इनकंसिस्टेंसी होता जबकि रूल बेस्ड पॉलिसी में टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम नहीं होता तो अगर आपकी इकोनॉमी में मॉनिट्री पॉलिसी का कोई नॉमिनल एंकर है और वो क्रेडिबल है तो इससे भी टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम नहीं होगा वजह क्या है वजह यह है कि पॉलिसी मेकर जो है वो टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम तब आता है जब पॉलिसी मेकर अपने लॉन्ग टर्म प्लान से डिविएट कर जाए और वो डिविएशन तब करता है जब उसे ये यकीन होता है कि पब्लिक अन अवेयर है इससे लेकिन अगर आपका नॉमिनल एंकर है फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज रेट फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन का टारगेट फॉर एग्जाम्पल मनी सप्लाई का टारगेट तो अगर आपका कोई नॉमिनल एंकर है और उसका एक टारगेट सेट किया हुआ है तो जब भी सेंट्रल बैंक उससे डिविएट करेगा पब्लिक को फौरी पता चल जाएगा जब लोग उससे अवेयर होंगे तो इसका मतलब करते हैं है, प्रॉब्लम तो का सोल्यूशन है ये तो टेंटेशन खत्म हो जाती है सेंट्रल बैंकर की अपने लॉन्ग टर्म प्लान जो कि बड़ा ऑप्टिमल प्लान होता है जो भी बड़ा वेल थॉट आउट प्लान होता है उससे डिविएट करने की टेंपटेशन खत्म हो जाएगी अगर आपका नॉमिनल एंकर होगा तो अब अगर नॉमिनल एंकर के साथ एक क्रेडिबल कमिटमेंट है क्रेडिबल कमिटमेंट का मतलब है सेंट्रल बैंक सीरियस है एंकर को टारगेट करने में और आम जो है वो उस पर ट्रस्ट करती है आम के नजदीक ये रिलायबल बात है कि सेंट्रल बैंक वाकई कमिटेड है इस टारगेट को अचीव करने में इससे इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस एंकर होती हैं कैसे अगर सेंट्रल बैंक कहे कि जी हमने इन्फ्लेशन का जो है टारगेट वो फाइव परसेंट अचीव करना है और पब्लिक उस पर ट्रस्ट करती है कि ये वाकई करके दिखाएगा उसका यकीन है तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या बनेंगी फाइव परसेंट और अगर लोगों को उस पर यकीन ना हो ट्रस्ट ना हो तो फिर सेंट्रल बैंक कहेगा हमारा जो है वो टारगेट फाइव परसेंट है लोग कहेंगे दस परसेंट से कम नहीं होने लगा इन्फ्लेशन तो वो लोग अपने बिजनेस के कॉन्ट्रेक्ट टेन परसेंट के हिसाब से कर लेंगे ये प्रॉब्लम आता है तो क्रेडिबल कमिटमेंट या क्रेडिबल नॉमिनल एंकर का फायदा यह है कि इससे लोगों की एक्सपेक्टेशन मैनेज होती हैं और जितनी एक्सपेक्टेशन मैनेज होंगी उतना ही फिर इन्फ्लेशन मैनेज होगा और प्राइस स्टेबिलिटी भी एंश्योर होगी और अगर क्रेडिबल कमिटमेंट की वजह से प्राइस स्टेबिलिटी एंश्योर हो जाए अब यह याद रखें सेंट्रल बैंक एक तो प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट चेंज करे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो उसका नुकसान यह होता है कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गया यह बेनिफिट है लेकिन आउटपुट का लॉस हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का लॉस हो जाता है इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है यह कास्ट है लेकिन अगर क्रेडिबल कमिटमेंट की वजह से लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर लें तो यह बगैर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए सेंट्रल बैंक ऑब्जेक्टिव इन प्राइस स्टेबिलिटी का या इन्फ्लेशन कंट्रोल का अचीव कर सकता है तो आउटपुट का लॉस भी नहीं होगा और इन्फ्लेशन का टारगेट भी अचीव हो जाएगा तो इसका मतलब अगर क्रेडिबल कमिटमेंट होगी नॉमिनल एंकर से देन मॉनिटरी पॉलिसी विल बी मोर एफिशिएंट, यानी कि आउटपुट का टारगेट भी अचीव हो जाएगा और प्राइस स्टेबिलिटी भी इंश्योर होगी थैंक यू